दोस्तों आज हम कवर करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 मैजिक फैंटेसी और एडवेंचर मूवीज को। ये सभी फिल्में हिंदी में हैं, जिनके अंदर आपको कमाल का जादू, एक्शन, कॉमेडी और जबरदस्त एडवेंचर देखने के लिए मिलेगा। और सभी फिल्में एक से बढ़कर एक हैं। और अगर आप इसी तरह की दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवीज को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसी मूवीज के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पूरी तरीके से चौंकाने के साथ कमाल का एक्सपीरियंस भी देंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको आपकी फैंटेसी से मिलती जुलती मूवी मिल जाए। नंबर 10 पर है क्रम्पस, जो कि 2015 में एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में आप देखोगे एक अजीब परिवार को जो कि क्रिसमस की ईव को एक दूसरे के साथ बहुत अजीब तरीके से पेश आती है, जिसकी वजह से उस परिवार में से एक छोटा लड़का गुस्सा होकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने से मना कर देता है और सेंटा को लिखी चिट्ठी भी फाड़ देता है, जिसके बाद पूरे एरिया में काले बादल छा जाते हैं और एक खतरनाक क्रिएचर आकर आसपास के सभी लोगों को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। आखिर वो चीज क्या है और उस परिवार के साथ आगे क्या क्या होता है आप देखिए इस मूवी में। एक जबरदस्त स्टोरी लाइन वाली मूवी है जिसका क्लाइमेक्स काफी चौंका देने वाला है। इस मूवी को IMDb पे 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है द गोल्डन कंपास, जो कि आई थी 2017 में, एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में आप कहानी देखोगे एक दूसरी दुनिया की, जहां पर सभी लोगों की जान उनके एनिमल कंपेनियन के अंदर होती है, जिन्हें वो डीमन कहते हैं, जिसमें से एक लायरा नाम की लड़की को एक आदमी उस दुनिया के आखिरी जादुई गोल्डन कंपास देता है, जिससे भविष्य में होने वाले खतरों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में लायरा को पता चलता है कि उसका दोस्त और शहर के बहुत सारे बच्चों को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया है, जिन्हें ढूंढने के लिए वो एक कवच वाले सफेद योद्धा भालू के साथ निकल पड़ती है एक एडवेंचरस सफर में। आगे उसके साथ क्या क्या होता है आप देखिए इस मूवी में। इस मूवी के VFX काफी जबरदस्त हैं, जिसके लिए इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। इस मूवी को IMDb पे 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है द फॉरबिडन किंगडम, जो कि आई थी 2008 में, एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में आप कहानी देखोगे एक जादुई छड़ी की, जो कि गलती से एक लड़के को मिल जाती है जिसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है कुंग फू में, लेकिन उस छड़ी की वजह से वो सदियों पहले की एक रहस्यमय किंगडम में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात दो कुंग फू योद्धा और एक अनाथ लड़की से होती है, जो उसे बताते हैं कि एक निर्दय वार्डलॉर्ड उस छड़ी की तलाश में सदियों से है ताकि वो उसकी ताकतों से और ताकतवर बन सके। आखिर वो छड़ी किसकी और उससे क्या कुछ हो सकता है आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये एक मार्शल आर्ट वाली जादुई मूवी है और जैकी चैन और जेटली की वजह से आपको जबरदस्त कुंग फू फाइट सीन्स भी देखने के लिए मिलेंगे। इस मूवी का IMDb पे 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हो। नंबर 7 पर है नाइट एट द म्यूजियम, जो कि आई थी 2006 में, ये एक फैमिली कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में आप कहानी देखोगे एक लूजर और जॉबलेस आदमी लैरी की, जो कैसे भी करके अपने बेटे के नजरों में एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, जिसके लिए वो एक म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वहां रात होती है तो म्यूजियम की सभी चीजें जिंदा हो जाती है और उससे परेशान करना शुरू कर देती है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आता ये सब क्या और कैसे हो रहा है, जिनको हैंडल करने के चक्कर में वो क्या क्या रायता फैलाता है आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए, और उन सभी के जिंदा होने के पीछे का कारण भी आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये एक फनी और मैजिकल स्टोरी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और इस मूवी के अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं। इस वाले पार्ट को IMDb पे 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी देख सकते हैं। नंबर 6 पर है अलादीन, जो कि आई थी 2019 में, एक फैंटेसी रोमांस मूवी है। इस मूवी में कहानी है खतरनाक और शातिर जादूगर की, जो कि एक दयालु चोर अलादीन की मदद से एक जादुई चिराग को हासिल करना चाहता है ताकि वो उसकी ताकतों की मदद से राजा की सल्तनत पर कब्जा कर सके, लेकिन किसी वजह से उस चिराग को उससे पहले अलादीन घिस देता है और उसमें से एक शक्तिशाली जिन बाहर आता है जो उसे 3 विश मांगने के लिए कहता है, जो कि जिन चुटकी बजाते ही उसकी सारी विश को पूरी कर देगा। ऐसे में अलादीन कौन कौन सी 3 विश मांगता है आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। एक जबरदस्त मैजिकल और म्यूजिकल मूवी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और इस मूवी को IMDb पे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी देख सकते हो। नंबर 5 पर है एक्वामैन, जो कि आई थी 2018 में, एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में आप कहानी देखोगे एक हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटियन की, जो कि किसी भी मरीन क्रिएचर से बात कर सकता है, लेकिन एक ताकतवर अटलांटियन पूरे समुद्र में हुकूमत करना चाहता है, जिसे रोकने के लिए एक खास तरह का लेजेंडरी ट्रीडेंट चाहिए। तो कैसे वो हाफ ब्रीड ट्रीडेंट को हासिल करके उसे रोकेगा आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये एक जबरदस्त वॉर वाली मूवी है और समुद्र के अंदर वॉर देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इस मूवी को IMDb पे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी देख सकते हो। नंबर 4 पर है जुमांजी वेलकम टू दी जंगल, जो कि आई थी 2017 में, एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में आप कहानी देखोगे एक जादुई गेम जुमांजी की। जब 4 स्टूडेंट उस गेम को खेलने लगते हैं तो वो मैजिक की वजह से उसी गेम के अंदर ही चले जाते हैं, जिसके बाद आपको जबरदस्त कॉमेडी, एक्शन और जंगल एडवेंचर देखने के लिए मिलेगा, और उन सभी के पास अलग अलग तरह के हिडन स्किल्स भी हैं, जिससे ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और उस गेम से बाहर निकलने के लिए उन्हें सभी लेवल को क्रॉस करना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे। तो ऐसे में वो क्या क्या करते हैं उस गेम को खत्म करने के लिए आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये एक जबरदस्त एडवेंचर मूवी है और इसके अभी तक 2 पार्ट आए हैं। इस वाले पार्ट को IMDb पे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे
नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो। नंबर 3 पर है थॉर, जो कि आई थी 2011 में, एक एक्शन फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में आप देखोगे बिजली और तूफान के देवता थॉर को, जिनके अंदर अहंकार और ताकत का घमंड बढ़ने की वजह से उनके पिता ओडिन थॉर का हथौड़ा और उनकी सारी शक्तियां छीनकर देवलोक से बहिष्कृत करके उन्हें धरती लोक में पटक देते हैं, जिसके बाद थॉर किन किन हालतों से गुजरते हैं और अपनी शक्तियों को वापस से हासिल कर पाते हैं या नहीं, आप देखिए इस मूवी में। ये मार्वल यूनिवर्स की मूवी है जिसके VFX सुपर से भी ऊपर है, और इस मूवी के अभी तक 3 पार्ट आए हैं और इस वाले पार्ट को IMDb पे 7.0/10 की रेटिंग मिली है, और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे Disney+ Hotstar पे भी देख सकते हो। नंबर 2 पर है ब्रिज टू टेरेबेथिया, जो कि आई थी 2007 में, एक फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में आप कहानी देखोगे एक गरीब लड़के की, जिसे एक दिन एक शहर की अमीर लड़की अपने साथ जंगल के बीच बने एक जादुई दुनिया में लेके जाती है, जहाँ पर बहुत अजीब अजीब क्रिएचर्स भी होते हैं। लेकिन उस गरीब लड़के की जिंदगी उस जादुई दुनिया में जाने के बाद किस तरीके से बदल जाती है, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये एक हार्ट टचिंग इमोशनल मूवी है, जो कि आपको आपके बचपन के दिनों में लेके जाएगी। इस मूवी को IMDb पे 7.1/10 की रेटिंग मिली है, और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है पेंस लेबरिंथ, जो कि आई थी 2006 में, एक फैंटेसी वॉर मूवी है। मूवी में कहानी ओफिलिया नाम की एक लड़की की, जो कि अपने माँ के साथ अपने सौतेल पिता के यहाँ शिफ्ट होती है, जो कि बहुत ज्यादा क्रूर और निर्दय होता है। ओफिलिया को परियों की कहानियां पसंद होती है, और एक रात वो एक फेरी से मिलती है, जो कि उसे एक फॉन नाम के क्रिएचर के पास लेके जाती है, जो उसे बताता है कि वो एक प्रिंसेस है, लेकिन उसे अपनी रॉयल्टी साबित करने के लिए 3 टास्क पूरे करने होंगे ताकि वो वहाँ जा सके जहाँ से वो आई है। आखिर वो 3 टास्क क्या है और वो सच में क्या एक राजकुमारी है, जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना चाहिए। ये एक जबरदस्त स्टोरी लाइन वाली मूवी है, जो आपको बहुत अच्छी सीख भी देती है। इस मूवी को IMDb पे 8.2/10 की रेटिंग मिली है, और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपका एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। और इसी तरह की जबरदस्त मूवीज की लिस्ट आपको ऊपर आई बटन से भी मिल जाएंगी, और कमेंट्स करके हमें जरूर बताना आपको और किस तरीके की मूवीज लिस्ट चाहिए, और उन दोस्तों के साथ आपको इन मूवीज को जरूर शेयर करना चाहिए जो कि फालतू की मूवीज देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।